नमस्कार, आपका स्वागत है खबरीलाल टीवी न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम आपको देश भर की बड़ी खबरें सुनाते हैं। शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके ऊपर विनेश फोगाट ने अपनी हाजिरी से किसान आंदोलन को और भी सशक्त और मजबूत किया। बता दें, इसके ऊपर विनेश फोगाट का एक बहुत ही ज्यादा बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को अपने हक के लिए अंतिम क्षण तक लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना हर बार पॉलिटिकल नहीं होता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह विनेश फोगाट ने किसानों को संबोधित किया है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे, जिसमें बताना चाहूंगा कि केदारनाथ से एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की न्यूज सामने आ रही है। केदारनाथ में थारू कैंप के पास एक हेलीकॉप्टर नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए भेजा जा चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि M-117 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे नदी में गिर गया। आपको यह भी बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार की जान की हानि की खबर नहीं है, जो एक सुखद और एक शांतिदायक संदेश है। अगली बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये सूचित करना चाहेंगे कि डिज्नी और रिलायंस की काफी दिनों से ये न्यूज वायरल हो रही थी, जिसमें उनके मर्ज के बारे में बताया जा रहा था, वो एक हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा था। अब इसके ऊपर NCLT ने अपनी मोहर लगा दी है। बता दें, CCI इस ज्वाइंट वेंचर को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसकी वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ रुपए है, जिसमें रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी करेगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसका मालिक मुकेश अंबानी को ही बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कल ये खबर मिली थी कि 3 वंदे भारत ट्रेन्स को नरेंद्र मोदी जी आज यानी शनिवार को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके ऊपर ये अपडेट मिल रहा है कि उन 3 ट्रेन्स को हरी झंडी दिखा दी गई है। जनता के लिए बहुत ही सहूलियत की बात है ये कि उन्हें 3 वंदे भारत ट्रेन्स, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है, उनको हरी झंडी मिलने के बाद उनकी काफ़ी तकलीफें कम हो जाएंगी। नागरकोइल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस केवल उद्घाटन के दिन डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से रवाना की जाएगी, लेकिन इसकी नियमित सेवा चेन्नई एजमोर, जी हाँ आपको बता दें चेन्नई एंशबूर से होगी। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन संचालित की जाएगी। इसके बीच ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों के उद्घाटन के लिए, उनके प्रचालित के लिए वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने इन 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर के रुख करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से गुजरात से न्यूज मिल रही थी कि भारी तबाही मची हुई है बारिश के कारण। वहां पर बारिश ने सभी लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। अब इसके ऊपर बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, गुजरात में साइक्लोन आने के आसार बने हुए हैं। गुजरात से कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से भीषण तबाही मची हुई है। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन तक राज्य से, आपको बता दें, कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की आशंका है। बता दें कि अरब सागर पर बना दबाव चक्रवात आसना यानी कि साइक्लोन असाना में तब्दील हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात में। अब इसके साथ ही हम आज के बुलेटिन को समाप्त करेंगे। आप बन रही है खबरीलाल टीवी के साथ, और ऐसी अपडेट्स के लिए धन्यवाद।